जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई जादूगरिया, ये है इसकी जादूगरिया। आज से पहले तो इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी, ब्लैंकेट से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा तो। क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और अब सर्दी भी। अरे कोई सर्दी नहीं है, तुम लोगों की आदतें खराब हुई हुई है। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर्दी नहीं है? इसे सर्दी थोड़ी कहते, सर्दी तो पहाड़ी इलाकों में पड़ती है। जब यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है तो वहाँ कितनी सर्दी पड़ती होगी, और वहाँ पे तो बेचारों के पास ना गैस होती है ना बिजली, क्योंकि वो बहादुर लोग होते हैं, तुम्हारी तरह कंबलों में घुस के नहीं बैठे होते। वैसे गीती हमारा जीनी ना बहुत बहादुर है। हाँ हाँ, जीनी से ज्यादा बहादुर और कौन हो सकता है, इसे सर्दी भी नहीं लगती। देखो अभी हम कहेंगे ना तो जैकेट भी उतार देगा। हाँ हाँ उतार देता, लेकिन अंदर मैंने बहुत पतली सी टी शर्ट पहनी है ना। तो क्या हुआ, तुम्हें सर्दी थोड़ी लगती है? हाँ हाँ उतारो ना फिर। ये लो इसमें क्या है भाई, बहुत सर्दी है। नहीं आपको तो सर्दी लगती नहीं थी, अब क्या हुआ? नहीं आज लग रही है यार, बहुत सर्दी है। आज तो बहुत ही गर्मी है। जी जी तभी तो आप पूरे के पूरे पसीने में भीगे हुए, कहीं तो आपके लिए ठंडा पानी ले आओ। मेरे मतलब है कि यहाँ मेरू आज बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। मुझे तो सर्दी अब बहुत पसंद है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्यों? अरे बिजली का बिल जो ज्यादा आता है। अरे सर्दियों में तो बिजली का बिल कम आता है। अरे फिर तो मुझे भी सर्दियाँ बहुत पसंद है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे आप पसंद है। क्यों? पागल जो है आप। अरे सर्दी में कॉफी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अरे अच्छा यहाँ बैठ के कॉफी पी जा रही है? अरे आप कहती तो हम खड़े होके पी लेते। सादा की करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ ये कॉफी किसने बनाई है? मैंने बनाई यार। अपने और मेहरू के लिए? नहीं, अपने और सबा के लिए। हाँ और बराबर में बैठी मेहरू को तुम सबा समझ रहे होगे, है ना सलमान? अरे मेहरू तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या होता था? सबा बैठो ना यार, बैठो सर्दी एंजॉय करते साथ में कॉफी भी पीते। मैं तुम्हें सर्दियाँ एंजॉय कराती हूँ, चलो जरा कमरे में सलमान। देखो सबा मार पीट तशद्दुद इसकी वजह से माशा बिगड़ रहा है, बता रहा हूँ तुम्हें। अरे आपने तो जैकेट पहनी हुई है ना, आप पर मार का असर नहीं होगा, फिक्र ना करें। अरे इसलिए तो जैकेट पहनता हूँ मैं। सलमान फौरन मेरे साथ आओ। अभी फॉलो मी। क्या बोरियत है, इतना मजा आ रहा था सलमान के साथ। सभा को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि शायद मैं सलमान को अगवा कर लूंगी। अब मैं क्या करूं? उरूज। तो मुझे एक बात बताओ, सलमान बाहर क्या हो रहा था? कॉफी पी रहे थे यार। अच्छा तुम समझते मेरी आंखें नहीं है? नहीं तुम्हारी आंखें औकाब की तरह है, मैं तो धूल झोंकना चाहता था। वैसे एक बात बताओ, उस अहमक लड़की में तुम्हें दिखता क्या है सलमान? अहमकपन जो तुम्हारे अंदर भी है। मेहरू मेरी पक्की सहेली सब। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों है तुम्हारी पक्की सहेली? अरे तुम्हारी भी तो इतनी सहेलियां हैं, मैंने कभी पूछा है? औरत औरत की सहेली हो सकती है लेकिन किसी मर्द की नहीं। बताओ मैं किसी मर्द से दोस्ती करती हूँ क्या? हाँ मैं तो तुम्हें कभी ऐसे करने नहीं दूंगा। तो मैं भी तुम्हें मेहरू के साथ हंसी मजाक करते हुए खिकी करते हुए नहीं देख सकती सलमान। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा दिमाग इतनी सर्दी में भी कैसे गर्म हो जाता है? हंसी तो हंसी। सलमान देखो अच्छा नहीं लगता ना, मेरू तो बेवकूफ है लेकिन तुम तो अकलमंद हो ना, जरा अकलमंदी का मुजाहरा किया करो। अब देखो ना मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, प्लीज। अब तुम देखना मेरू के सामने कैसे समझदारी का मुजाहरा करता हूँ। ऐसे ना सर्दी बहुत हो रही है सलमान। मैं बाहर से कॉफी लेकर आऊं? नहीं नहीं लेने दो, मेरे पास मूंगफली है वो खाते हैं। जबरदस्त गुल गुल गोला उड़न कटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई जादूगरिया गुल गुल गोला उड़न कटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई जादूगरिया। आज तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई जब से मेरे भाई ने मेरी पावर क्या छीनी है, मेरी तो दो टके की इज्जत हो गई। बताओ जिनको भी कभी सर्दी लगी है मेरे भाई कब जाओगी को काम? ना 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 एक आवाज भी लग नहीं है, वरना ये बर्फ का ठंडा पानी मांगे जमा दूंगा। अबे अस्कुर है डाकू हो तुम? नहीं तुम्हारा अब्बू, देख ले रहो मेरे हाथ में गन है। अबे तब ऐसे बात नहीं करें, बच्चों का प्रोग्राम है। मैं कर सकता हूँ, मैं डाकू। डाकू भाई तुम्हारी गन तो बहुत खतरनाक है। मजाक उड़ा रहे हैं? मैं समझ जाता हूँ जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है। पानी वाली गन लेके तुम डाका डालने आयो? मैं आम डाकू नहीं हूँ, मैंने एक फिल्म में देखा है।
अच्छा जब ही तुम डाकू बन गए। अरे डाकू तो मैं बचपन से था, लेकिन पानी के गन से लूटने का आइडिया मैंने फोन से सीखा है। चलो बेटा निकलो यहाँ से, वरना पागलखाने फोन करके ना अंदर करवा दूंगा। चलो चलो शाबाश निकलो यहाँ से। अच्छा तो ये बात है, तो ये लो ऊपर करना मुंह करना, ये ले ये ले। सर्दी सर्दी पानी, अभी तो सिर्फ मुंह पे पानी मारा है, अंदर हवा कुछ कहा तो पूरा नहला दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, माफ करो प्लीज। चलो फिर रोहन और गीति के कमरे में चलो चलो। तुम रोहन और गीति को जानते हो? हां जानता हूं, तुम्हारी जादूगरियां भी देखता हूं, और तुम्हारे पास इस वक्त पावर नहीं है ये भी जानता हूं। चलो ये तो सब जानता हूं, जाना पड़ेगा अपने घोड़े पे आऊंगा। यार ये मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इस घर में हीटर क्यों नहीं है? कभी हीटर वाली सर्दी पड़ी है हमारे शहर में? एक काम करते हैं, जीनी से कहते हैं कि वो इस सर्दी में हमें एक बैट लेके दिखाए। वो भी डंडा मारने जाए, ये सुनते ही वो मर जाएगा। क्या हुआ जीनी, तुम्हारा हाथ जम गया सर्दी से? ये कौन है? डाकू, और तुम्हें लूटने आया हूं। तुम हमें ये पानी वाली गन दे दो। और जीनी तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये तो पानी वाली गन है। इससे पता चल गया है कि ये पानी वाली गन सिर्फ पानी वाली गन नहीं है, बल्कि बर्फ के पानी वाली गन है। चलो चलो निकलो यहाँ से पागल कहीं के। रोहन तुम तो गए, इतने बाल बाल उठाओ, मुंह दिखाओ। ये रोहन क्या हुआ? मैं फ्रीज हो रहा हूँ। अब जल्दी सबने मोबाइल निकाल के मेरा हवाले करो। कमा कमा कमा, ये ले भाई। अरे लाओ लाओ, और अपने लैपटॉप और टैबलेट्स भी। इसे तो हमारी सारी चीजें बारे में पता है, जादूगरियों के सारे एपिसोड देखे हुए इतने। चलो उठो तो, और ये सलमारी से निकाल के दो। आजा 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 उठा। यार सबा मुंह भले बड़ी जबरदस्त है यार। पारा चुनार के? अरे हमारे पास है ना, हम खा रहे हैं। ओहो नहीं, पारा चिनार की मूंगफली ना बहुत मजे की होती है। पारा चिनार कोई स्टोर है क्या? नहीं सलमान, पाकिस्तान की खूबसूरत जगह पहाड़ों से भरी। ओके ओके चलो ऊपर। हाथ ऊपर। जिनी ये तुम्हारे हाथ ऊपर क्यों है? इसे जरूर किसने सजा दी है। और ये जरूर जोकर है। और तुम्हारे हाथ में पानी वाली गन क्यों है? अरे तुम अपने दोस्त के साथ चोर से भाई खेल रहे हो क्या? मैं भी खेलूंगा। अरे खामोश हो जाओ, ये कोई खेल नहीं है, मैं असल में डाकू। सभा मुझे सर्दी लग रही है। बर्फ का पानी इस गन के अंदर जो तुम्हें फ्रीज कर देगा, जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। इसने रोहन और गीता से मोबाइल और लैपटॉप भी छीन लिए। तुमने मेरे बच्चों के मोबाइल छीन लिए? जी हाँ, अब अपना निकालो चलो। क्या जोकर था, पानी वाली गन सब लूट गया। उसने गन में भी तो बर्फ वाला पानी भरा हुआ था। वैसे मेरी पानी वाली गन का है? वो छोड़ो, दरवाजा खोलते हैं। ये तो लॉक है, मैं इसे ना तोड़ देता हूँ। कोई फायदा नहीं है। क्यों? बाहर वो फिर तुम्हें अपनी गन से बर्फ वाले पानी से मिला देगा। मैं उसे गोल्डबर्ग की तरह स्पेयर मार दूंगा। गोल्डबर्ग स्पेयर, ये क्या होता है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरी समझ में वाकई कुछ नहीं आ रहा। वैसे तो तुम क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती हो। मैं पढ़ाई में तेज हूँ। और जो लड़ाई में तेज है ना, वो डाकू के साथ हाथ उठा के ऊपर घूम रहा है। हाँ जीनी के पास पावर्स नहीं है। दिमाग तो है ना, वो दिमाग से क्या करेगा? डाकू से गन छीनेगा और क्या। अरे गन उसे दिमाग से नहीं, हाथी से छीनी है। बस तो साबित हो गया क्या? ये लड़कियाँ पक्का रट्टा लगा के पास होती है। यहाँ तो बड़ा सुकून है, सब लोग अपने अपने कमरों में घुसे हुए हैं, और मुझे सुकून बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े शोर हो, शरारतें हो, सलमान की अहमकाना बातें हो, सबा की जली कटी डांटे हो, क्या करूँ। अरे हाँ, उरूज बहुत मजेदार इंसान है। जितना भी तंग करो उतना ही कम है। मैंने 10 बार बेल बजाई और वो 10 बार बेवकूफ बाहर दरवाजा खोले, और बाहर आकर देखा तो कोई था ही नहीं। उरूज तुमने बहुत सुकून कर लिया, मैं वापस आ रही हूँ तुमसे कोई नई शरारत करने। वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया। चलो भाई मोबाइल निकालो, आप किसी को फोन करना है मेरे भाई, तुम्हारा सर फोड़ना है। उसके लिए मोबाइल क्यों चाहिए यार? उसके तो मामा के सैंडल भी कमरे में। खामोश, अभी बर्फ के पानी से नहला दो तीनों को। सलमान प्लीज अपना मोबाइल दो। अरे तुम्हारे पास भी था, तुम क्यों नहीं दे रही? और भी कुछ बता दो कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है। ढाकू भाई मैं अपने हाथ नीचे कर लूँ। क्यों भाई, तुम्हें पिकनिक पे जा रहा है? थक गया हूं ना यार। मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ। लेकिन तुमने मेरे हाथ के ऊपर किए हुए, ताकि तुम कोई हिलजुल ना कर सको। अरे हाथ नीचे करके तब भी कोई हरकत नहीं कर सकता मेरे भाई। तुम गारंटी ले रहे हो? हाँ मेरे बेटे का दोस्त है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। अच्छा ठीक है। हाँ भाई आंटी तुम मोबाइल निकालो। आंटी सबा मुंह तोड़ दो इसका, इसमें तुम्हें आंटी का है। कैसे तोड़ेगी, मेरे पास ये गन है, इसमें बर्फ का पानी जमा दूंगा। मेरा तो मशवरा यही है कि अपने अपने मोबाइल निकाल के दे दे इनको। निकाला निकाला। अरे दो। हाँ और तुम्हारा?
मैं तो अपने हाथ से मोबाइल फोन करता हूँ। अरे तो हम कौन अपने पाँव से करते हैं? भाई बात तुम्हारे समझ नहीं आएगी, ऊपर के लेवल की बात है। अच्छा मस्करी, मारू पानी मारू। बात तो मुझे माफ कर दो, मेरे पास मोबाइल नहीं है यार, कसम से नहीं है। अरे डाकू भाई अभी ये बच्चा है, अभी इसके अब्बू ने ना मोबाइल फोन नहीं दिलवाया। क्यों भाई? अरे बिगड़ जाएगा ना यार। तुम कौन सा बिगड़ गए, और वैसे भी मोबाइल से कौन बिगड़ता है? बिगड़ता है सलमान, मेरा शौहर है डाकू भाई, तुम्हारा शौहर नहीं है, मैं जानती हूँ अपने शौहर को। मोबाइल तो आपके पास भी है, क्या आप भी बिगड़ी हुई है? ऐसी वैसी सुबह बिगड़ जाए ना तो जल्द आ जाए। भाई बड़े बड़े फेंकू है इस घर में, तुम हाथ नीचे करो और ढूंढो और क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा अरे यहाँ नहीं, कमरे में ढूंढ। अब तो तुम्हारे पास ये सब कुछ, कमरे में क्या रहेगा? ढूंढो ढूंढो, तुम भी ढूंढो। यार एक तो हमारी खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई है। यार मेरे पास एक आइडिया है, वॉशरूम के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन है ना उसको खोलिए, वहां से बाहर चले जाते हैं। अपना साइज देखो और एग्जॉस्ट फैन का साइज देखो, साइज तो तुम्हारा भी कम नहीं है। काश मेरे पास उस वक्त पावर्स होते हैं तो तुम क्या अपना साइज कम कर लेती? जी नहीं, मैं इस कमरे से बाहर निकल जाती। अच्छा फर्ज करो अगर हम इस कमरे से बाहर चले भी जाते हैं तो बाहर वो बर्फ वाला पानी भी तो है। हाँ ये बात तो है, अगर इस वक्त हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैरू बाजी है। लेकिन वो तो घर पर ही नहीं है। कहाँ घूम फिर रही है, घर में क्यों नहीं है वो? रोहान अगर हम भी किसी नई दुनिया में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी बाहर ही घूमेंगे। तो फिर ऐसा क्या करेंगे मेरू बाजी को पता चल जाए? रोहान आइडिया जल्दी बताओ, क्यों ना हम अपने परफ्यूम खिड़की के बाहर स्प्रे कर दें कीड़े मकोड़े मारने के लिए। अरे जिन्हों की सुनने की सेंस बहुत तेज होती है तो वो क्या डाकू की बू सूंघे भी आ जाएंगी? अरे नहीं, हम अपने परफ्यूम बहुत सारा स्प्रे करते हैं, वो मोहल्ले में जहाँ पर भी होंगी वो स्मेल करके आ जाएंगी हमारे पास। हाँ हमारे सामने वाले दरख्त भी तो उनके जानने वाली जीनी रहती है। जीनी? फीमेल जीन यार। ओ अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम अपने परफ्यूम मुंह पर जाया करेंगे तो वो सूंघे घर आ जाएंगी? हाँ, और फिर वो डाकू को पकड़ लेंगी। आइडिया बुरा नहीं है, चलो फिर अपने परफ्यूम निकालो ना। मेरा क्यों, मेरा तो बहुत महंगा वाला है। तो मेरा कौन सा सस्ता है? तुम्हें क्या पता, तुम थोड़ी खरीदती हो, तुम्हें तो तुम्हारी दोस्तें गिफ्ट करती है ना। अच्छा चलो अब बातें बंद करो, परफ्यूम निकालो, चलो जल्दी मेरे साथ। उरूज तो बिल्कुल पागल हो गया, पागल हो गया, बाल नोच रहा था अपने। ये परफ्यूम की इतनी तेज खुशबू क्यों आ रही है? लगता है घर में सारी परफ्यूम की बॉटल्स टूट गई हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अंदर चलना चाहिए। पानी वाले बाबा आपके पास गन है, आप आगे क्यों चल रहे हैं, मुझे पीछे रखा हुआ है। मेरी मर्जी, अब बताओ यहाँ कौन कौन है। बड़ी लंबी लिस्ट है, बताते बताते शाम हो जाएगी। इतने लोग रहते हैं यहाँ? पानी वाले बाबा तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? नहीं। तो फिर इसका मतलब है इतने ही लोग रहते हैं यहाँ पर। मस्करी मस्करी, चलो कोई बात नहीं, 4-5 लाख का माल तो जमा हो ही गया। ये कहाँ से आ गई? कोकाफ से। कोकाफ? ये नमूना कौन है? डाकू है, पूरा घर लूट चुके हैं। पानी वाली गन से? यही तो सबसे बड़ी बेइज्जती है। इस पानी वाली गन से ना बर्फ का पानी निकलता है। अरे मुझे लगा इसमें से आग निकलती है। सर्दियों में बर्फ के पानी से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं होती। मैं बहुत स्मार्ट डाकू हूँ। मुझे तो निहायत ही गंदे और गलीज किस्म के डाकू लग रहे हो। मैं अपने दिमाग की बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग जोकर के दिमाग की तरह चलता है। अच्छा तो तुम जोकर से इंस्पायर्ड हो? वो दुनिया के सारे मुजरिमों का हीरो है, हीरो। लेकिन मुझे तो उससे नफरत है। क्या कहा तुमने, अभी बर्फ का पानी फेंकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अबे तुम क्यों हंस रहे? मुझे तुम्हारे अंजाम पे हंसी आ रही है। तुम अचानक से इतने बहादुर कैसे हो गए, वो भी इस लड़की की वजह से? मुझे तो वैसे ही आपको देखकर इतना डर लग रहा है। उफ़। हाँ, डर लग रहा है ना, तो सामान निकालो। घर का सामान? घर का सामान भी लूट के जाएंगे? अरे अबे देहातियों, मैं डाकू हूँ, तुझे पहले ही बताया था, मैं बोल सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम देहाती नहीं है, शहरी है। शहरी माल निकालो, माल। कैसा माल? मेहरबानी शीर मार मार रही है। सलमान कुछ करो ना, ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कुछ करो तो मैं बैठ गया। उस डाकू को पकड़ने के लिए कुछ करो सलमान। जी नहीं, इस सर्दी में उस पानी वाले गन के सामने नहा नहीं जाता। एटलीस्ट तुम पुलिस को तो इन्फॉर्म करो कि हम लुट गए। अरे कैसे करूं, फोन हमारे ले गया है वो। लैंडलाइन से कर दो ना सलमान प्लीज। अरे तुम भूल रहे हो सभा, हम कमरे के अंदर है और लैंडलाइन कमरे के बाहर। तो फिर चीखना शुरू कर दो ना सलमान। पुलिस वालों तक हमारी चीख पहुँच जाएगी क्या? कम से कम पड़ोसियों तक तो चली जाएगी ना। अरे वो पड़ोसी उरूज, अरे वो घोड़े बेच के सो रहा होगा। तो कोई ना कोई तो सुन लेगा ना। हाँ सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, वो डाकू सुनेगा ना। हर आदमी डाकू नहीं होता सलमान। पुराना वाला डाकू हमारे घर से बाहर नहीं गया होगा अभी। वो क्या कर रहा है? घर से कीमती चीजें जमा कर रहा होगा। सलमान किचन में मेरी ना बहुत सारी कीमती चीजें, प्लीज। तुम्हारे जहेज की क्रॉकरी के अलावा और क्या है सुबह? जे जे सलमान। अरे वो फिर अपने कंधों में उठा के ले जाएगा क्या? तो क्या हम हाथ पे हाथ डाल के यूं ही बैठे रहे? लग तो ऐसी रहा। सलमान कुछ करो, बताओ बताओ, यहाँ मेरे साथ एक भूत है। सलमान
तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? इन्हें सर्दी नहीं लगी, लेकिन जो तुमने खराब हरकत की है ना, वो इनके दिल पर लगी है। मुझे बताओ मैं इस डाकू के साथ क्या करूँ? धमकी, मुझको धमकी। क्यों, मजा आ रहा है भाजी? इधर सारे घर वालों को बर्फ के पानी से नहलाया। अब अपने आप को मारो। अरे भाजी, चलो उन लोगों को तो आजाद करवाएं। क्या मतलब? इसने सबको अपने अपने कमरों में लॉक किया हुआ है। ओ, ये लो, खुल गए लॉक। मैं जा रहा। तुमने मेरे सारे परफ्यूम उड़ा दिए और कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो मैंने तो सिर्फ एक ट्राई की थी। तुम्हारे दिमाग में भी अच्छा आइडिया क्यों नहीं आता? तो तुम्हें क्या आइडिया बता दो। अरे क्या सारी जिंदगी इस कमरे में बैठने का रहता है? लेकिन वो डाकू कहाँ गया? ड्राइंग रूम में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहा है। चाय तो नहीं पी रहा, लेकिन अपने आप को खुद ही मार रहा है। किसको मार रहा है? क्या मेहरूबा जी आ गई? हाँ जी, मेहरूबा जी आ गई। यस, मेरा आइडिया कामयाब हो गया। तुम्हारा आइडिया? उसने मेरे और अपने सारे परफ्यूम ना पर खिड़की सामने मोड़ आ दिए। मेहरूबा जी जरूर वही सूंघ कर आई है। जी नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म है। हो सकता है वो खुद वापस आई हो। नहीं, वो परफ्यूम की वजह से ही वापस आई है। अरे यार लड़ाई बाद में कर लेना, पहले चल के अपने मोबाइल तो ले लो। चलो चलो चल चलो चलो। क्या ये डाकू अभी तक किधर ही है? अगर घर में पानी खत्म हो गया तो मैं फ्रिज में सड़ा के भर दूं। कब पानी नहीं, इसकी अक्ल खत्म हो गई है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? इन सब का सामान वापस करो तब माफ करूंगी। इसको और मार पटनी चाहिए, इसको और मारो सब। अरे पहले अपने आप को मार रही है। लेकिन इसके साथ ये हुआ क्या है? अरे मेरू बाजी जी वापस आ गई है। क्या मतलब? अरे ये मेरू की शक्ल को देख के अपने आप को मारने लगा है। क्यों, मेरू की शक्ल में ऐसा क्या है सलमान? अफसोस कर रहा होगा ना, कैसी शक्ल पहले देखी क्यों नहीं, या फिर देखी क्यों बगैर देखी मर जाता। मुझे एक दफा मौका मिल जाए, मुझे एक दफा मौका मिल जाए ना, तो सबको ठंडे पानी से नहला दूंगा। ओ तो तुम्हें मौका चाहिए। सलमान, ये अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? अरे सबा, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज। मैं अपनी जैकेट उतार दूं? हाँ यार, बहुत गर्मी हो गई है। तुम अपनी गन का इस्तेमाल नहीं करोगे? अरे भाई, यहाँ तो सबको वैसी गर्मी लग रही है। डाकू भाई, मुझे बर्फ के पानी से नहाना है। हाँ, ये अपनी वाटर गन से हम पे पानी डाला ना। प्लीज प्लीज। अच्छा, अगर ठंडे पानी के बजाय इसमें से गर्म पानी आ रहा है, किसी ने कुछ किया उसको जला दूंगा। मेहरबानी, आपने क्या किया? वो तो हमारे मोबाइल और लैपटॉप भी लेके चला गया। सॉरी। ये है इसकी जादूगरिया, जादू नगरी की हड़बड़िया, सर पे चढ़ गई जादूगरिया।